कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उसके बाद से ही कोटा में उमंग और जोश आप साफ तौर से देख सकते हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जब आज कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोटा बूंदी लोकसभा है, जहां से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आते हैं, इन दोनों का मुकाबला आमने सामने का है और ये मुकाबला अब काफी रोचक होता जा रहा है। जिस तरह से आप ये भीड़ देख रहे हैं, नामांकन की जो रैली है, इसको आज प्रहलाद गुंजल अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और स्टेडियम से ये रैली रवाना हुई है और एक छोर इसका कलेक्ट्री पे पहुंच गया है तो दूसरा छोर अभी मौके पर ही है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ी में इस समय प्रहलाद गुंजल है और इनके धुर विरोधी रहे, जो कल भी बहसबाजी हुई थी जिस कार्यक्रम में शांति धारीवाल, वो भी एक मंच पर दिख रहे हैं। रंधावा भी इनके साथ है, जो हिंडोली के विधायक है अशोक चांदना इनके साथ है, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष साथ में है, विधायक है डोडासरा है और इसके साथ ये जो रैली का हुजूम है, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। इस बार पहली बार माना जा रहा है कि जो लोकसभा बीजेपी कहती थी कि हम आसानी से जीत लेंगे, लेकिन इस बार लगता नहीं कि बीजेपी के लिए यह जीत इतनी आसान होगी, क्योंकि प्रहलाद गुंजल अपने आप में कद्दावर नेता है और भीड़ जुटाने में वो महारत हासिल करते हैं और इस महारत के साथ ही आप देख सकते हैं कि शांति धारीवाल हाथ उठा रहे हैं, उनके जस्ट पीछे प्रहलाद गुंजल है, डोडासरा है और रंधावा। ये साबित करता है कि पूरी कांग्रेस यहाँ पर इस समय एक है और जो ये भीड़ है, 41 डिग्री टेम्परेचर इस समय कोटा में है और कोटा के 41 डिग्री टेम्परेचर में राजनीति का पारा चरम पर है। ये तस्वीरें सीधी हैं जो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रहलाद गुंजल है, जो कांग्रेस में अभी शामिल हुए हैं भाजपा से, पहले कोटा उत्तर के पूर्व विधायक रहे हैं, जिन्होंने दम ठोका है, अपनी ताल ठोकी है और अपने बयानबाजी से भी ये हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और इन चर्चाओं के साथ ही जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। और जो पहले कहा जाता था कि बीजेपी के लिए यह सीट काफी आसान है, लेकिन इस भीड़ को, इस नामांकन रैली को देखने के बाद कह सकते हैं कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। कोटा से एबीपी न्यूज के लिए दिनेश कश्यप।